नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कल फिर विल से रिलेटेड एक सवाल किया गया जो कि बड़ा ही कॉमन है और पहले भी मैंने उस पर जवाब दिया है, लेकिन पूछने वाला इतना शिद्दत से पूछ रहा था तो मैंने कहा कि मैं कॉमन मैन को समझ आने वाले लैंग्वेज में इस पर एक वीडियो और कर देता हूँ। सवाल ये है कि अगर दोनों अटेस्टिंग विटनेसेस की डेथ हो जाए तो बिल को कैसे प्रूव करते हैं। थोड़ा लीगल होकर चलें तो सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट ये प्रोवाइड करता है कि किस जब अगर बिल को प्रूफ करना है तो दोनों में से किसी एक अटेस्टिंग विटनेस को कम से कम कोर्ट आकर डिपोजिशन करना होगा और उसे अपना भी प्रूफ करना होगा अटेस्टेशन और दूसरे विटनेस का भी प्रूफ करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली 2020 में इस इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब दोनों विटनेस की डेथ हो जाती है तो फिर सेक्शन 69 एविडेंस एक्ट पे हम रिलाई करते हैं प्रूफ करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि सेक्शन 68 जो है वो नॉर्मल सिचुएशन है जब दोनों में से कम एक विटनेस कोर्ट आके अटेस्टेशन प्रूव करता है विल का, अपना भी और दूसरे विटनेस का भी। तो एक सवाल जो इस सुप्रीम कोर्ट के सामने था या जो होता है नॉर्मली पूछा जाता है कि क्या 69 के तहत भी, सेक्शन 69 के तहत भी अगर हम विल को प्रूव करने जा रहे हैं तो जो विटनेस आएगा वो एक विटनेस के हैंडराइटिंग को प्रूव करेगा या दोनों विटनेसेस के हैंडराइटिंग को प्रूव करेगा, क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए सेक्शन 69 के लैंग्वेज को समझते हैं और नॉर्मल केस में जो जिस जजमेंट का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ उसमें डिवीजन बेंच थी, जस्टिस संजय किशन कौल थे और जस्टिस के एम जोसेफ थे। उन्होंने ये कहा कि सिग्नेचर प्रूफ जो व्यक्ति आएगा या जो विटनेस हमें चाहिए वो एग्जीक्यूटर के सिग्नेचर को और हैंडराइटिंग को प्रूव करने के लिए चाहिए और साथ साथ एक विटनेस के हैंडराइटिंग या उसके सिग्नेचर को प्रूव करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे इस डिवीजन बेंच ने ये कहा कि एक ही विटनेस के हैंडराइटिंग को भी अगर प्रूव कर देता है तो भी सेक्शन 69 एविडेंस एक्ट के रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। मैं जिस केस की बात कर रहा हूँ वो केस का नाम है वी कल्याण स्वामी वर्सेस एल बक्तवा सलम और ये 2020 का जजमेंट है। तो मैंने कहा कि सेक्शन 69 को देखते हैं कि क्या है सेक्शन 69। सेक्शन 69 है कि जब भी विटनेस को आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं या विटनेस नहीं अवेलेबल है अटेस्टिंग विटनेस तो हम क्या करें। अगर कोई ऐसा अटेस्टिंग विटनेस नहीं ढूंढा जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो जो विटनेस के अटेस्ट जो विल के अटेस्टेशन को प्रूव करने के लिए एक विटनेस कम से कम चाहिए जो एक अटेस्टिंग विटनेस के हैंडराइटिंग को प्रूव करे। साथ में ही वो हमें जो एक जिम्मेवारी और होती है कि एग्जीक्यूटर के अटेस्ट हैंडराइटिंग और सिग्नेचर को भी प्रूव करे। तो अगर केवल हम एक अटेस्टिंग विटनेस और एक एग्जीक्यूटर की हैंडराइटिंग को प्रूव करते हैं तो हमारा सेक्शन 69 का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। कि अब जो लैंग्वेज है सेक्शन 69 का बड़ा क्लियर है, उसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, फिर भी पता नहीं कैसे कई बार केसेस में कोर्ट ट्रैवल करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक एक इस सिंपल से प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन के लिए, जबकि लॉ अपने आप में सेक्शन 69 क्लियर है। हाँ, सेक्शन 71 की भी एक प्रोविज़न है, लेकिन उसमें तब है कि जो विटनेस आए कोर्ट में और वो कहे कि भाई मैं मुझे याद नहीं है या उस अपने अटेस्टेशन को प्रूव ना कर नहीं कर रहा है, इस तरह की चीज़ें करता है, वो डिनाई कर देता है अपने सिग्नेचर को, तो फिर उसके उस कंडीशन में हम अदर एविडेंस के ज़रिए प्रूव कर सकते हैं उसके विटनेस के अटेस्टेशन को। तो बिल के केस में नॉर्मली ये माना जाता है कि जो अटेस्टेटर है वो अगर
कोई प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन को लेकर कोई डिक्लेरेशन कर रहा है या अपने विल को लिख रहा है तो वो सही है। और अगर विल में बहुत सारे डिक्लेरेशन ऐसे हैं या वर्मेंट ऐसे हैं या जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट वैसे हैं जो कि गलत हैं तो ये विल को सस्पिशियस बना देता है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फिर उस सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस को दूर करने की जिम्मेवारी प्रोपाउंडर पे होती है। इसमें दूसरा व्यक्ति जो है वो है ऑब्जेक्टर, जो विल को अपोज करता है। और अगर वो ये अपोज करते हुए ये अपना प्ली ले रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस से एग्जीक्यूट कराया गया है या फ्रॉड से एग्जीक्यूट किया गया है कोर्सन से, तो जो ऑब्जेक्टर ये अपना डिफेंस ले रहा है या अपना एलिगेशन लगा रहा है, इन चीज़ों को प्रूव करने की जिम्मेवारी फिर उस व्यक्ति पे होती है जो ये एलिगेशन लगा रहा है। लेकिन इन दोनों के बावजूद, अपने रोल प्ले करने के बावजूद, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो कोर्ट का होता है कि जब तक कोर्ट को अपना ये ना लग जाए कि जो भी विल को प्रोबेट के लिए आया है या प्रूफ के लिए आया है उसको लेकर जितने भी एविडेंसेज हैं, जितने भी सर्कमस्टांसेस का जिक्र किया हुआ है, वो जब तक जुडिशियल कंसाइंस को सेटिस्फाई ना कर दे तब तक विल को ना तो प्रूफ माना जाता है, कोर्ट प्रूफ मानती है, और ना ही जो जिम्मेवारी प्रोपाउंडर पे थी वो उसकी उसका पूरा होना मानती है। मीन्स कि कोर्ट का रोल एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस केस में जहाँ विल को रिले एग्जीक्यूशन से लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस दिख रहा हो पूरे प्रोसीडिंग में। तो ये एक प्रयास था आपको समझाने का सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 69 के स्कोप को लेकर कि उस कंडीशन में क्या होता है जब दोनों विटनेसेस की डेथ हो जाती है या दोनों विटनेसेस मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ डेथ वर्ड नहीं यूज़ किया गया है, इज नॉट फाउंड मतलब कि नहीं मिल रहे हैं, तो उस सूरत में हम कैसे विल को प्रूव करते हैं। चूँकि ये प्रोविज़न बहुत ज़रूरी भी था, हर एक चीज़ को विटनेस के जो भी लीगेटी है, जो वसीयत का जो बेनिफिशियरी है, उसकी पूरी तकदीर को एक अटेस्टिंग विटनेस के इस पे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ये स्पेसिफिक प्रोविज़न डालकर को लेजिस्लेचर ने ये क्लियर किया कि भाई इस सिचुएशन में हम ऐसे विल को प्रूव कर सकते हैं। होप ये इशू क्लियर हुआ होगा। और जिन मैं खासकर उन लोगों को कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये डिस्कस किया था या जो क्वेश्चन भेजे थे मुझे इस इशू को डिस्कस करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने सवालों को ज़रूर भेजिए, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं इस सिलसिला को बढ़ाने के लिए। थैंक यू।